नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बॉडी बनाने का राज आपको मैं बताता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ चुकी है जो पूरे मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को बॉडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, और ना सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं, वो रियल लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। अगर आप भी फिटनेस एंथुसियास्ट हो, फिटनेस के बारे में जानना चाहते हो, किस तरीके से आप पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हो, आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं श्री नमित सक्सेना जी, नमेश सक्सेना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर से आज हम जानेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे बॉडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस कैसे आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार और हमारे शो में। आज हम आपसे हमारे दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फिटनेस का सबसे पहले तो क्या रोल है, ये सारी चीज हम जानेंगे आपसे। और इसके अलावा एक फिटनेस एंथुसियास्ट को अपनी डेली लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज आपसे इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में फिट रहना चाहता है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिटनेस का लाइफ में क्या रोल है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, या आता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो किस तरीके से लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल फिटनेस का होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज का जो दौर है बीमारियों से भरा हुआ है। आजकल इतनी सारी लाइफ स्टाइल डिसीज हो चुकी हैं कि हर दूसरा चौथा आदमी किसी ना किसी बीमारियों से जूझती है। और जो मैं जिस बात कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल डिसीज की, जो हमारे खान पान रहन सहन तरीकों से हो रही हैं, डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल से ही हो रही हैं। अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल पर और स्वस्थ रहने के लिए, और हम फोकस करते हैं व्यायाम पर। व्यायाम का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी जिम में ही जाना है। व्यायाम का मतलब मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से हम अपने इन सब लाइफ स्टाइल डिसीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे कई केसेस हमारे पास आए हैं जिनको सालों से मतलब कुछ ऐसे लोगों से भी, ऐसे भी लोग हैं जिनको बचपन से हाइपर जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम को हमने महीनों में सॉल्व कर दिया जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पाए हैं। Okay. अच्छे लाइफ स्टाइल से, अच्छे खान पान से, अच्छी डाइट से। अब आपने पूछा कि फिटनेस का और बाकी चीज़ों में क्या रोल है, जैसे कॉन्फिडेंस को लेकर आपने पूछा। देखो, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हो, आप जो कपड़े पहनते हो वो आपको फिट आते हैं, आप अपने आप को देख के आप फील करते हो कि हाँ मैं अच्छा देखता हूँ, तो सीधी सी बात है आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर पाएंगे। तो मेरा मानना भी, ये मेरा पर्सनल मानना हो सकता है कि आप लोग देखना करो, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे साथ चार लोग और बैठे हुए हैं, जिसमें एक का पेट निकला हुआ है, एक बहुत कमजोर है, एक बंदा है जो फिट है। तो जो इंटरव्यूअर वो देख रहा होता है, वो पहले उसकी पर्सनैलिटी से ही इम्प्रेस हो जाता है, और जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, चीज होते हैं उसकी, हमारे मन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंक आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि फिट रहने का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। बिल्कुल सर, जैसा आपने अभी बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने किसी को देखा और जो इंप्रेशन आपके दिमाग में बना, वैसा ही लोग उसके बारे में सोचना चालू कर देता है। तो सर, इससे ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में फिट रहना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या क्या लेना चाहिए, किस तरीके से वो अपने इस जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। इसलिए पहले इसका सबसे सीधा फंडा ये है कि सबसे पहले उसे अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। दिनचर्या में बदलाव करने का मतलब हमारी लाइफ में हमें टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और टाइम पे खाना, अगर ये हमारा नियमित है तो बहुत हद तक हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट किए भी। आजकल के लाइफ स्टाइल में लोग रात को लेट नाइट सोते हैं, लोग लेट नाइट उठते हैं, इससे कई बीमारियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। अगर फिटनेस का सबसे पहले फंडा ये है कि आप जल्दी सोएं, बहुत लेट नाइट सोना सोएं, अर्ली मॉर्निंग उठें, योगा करें, वर्कआउट करें, व्यायाम करें, किसी भी फॉर्म में वर्क करें, उसके साथ अपने खान पान में जो डाइट का हिस्सा है, सबसे मेन रोल तो डाइट का, आप एक बैलेंस डाइट लें। ऐसा ना हो कि हमारे खाने में जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं आप उनको कंज्यूम ना करने की जगह आप टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है फिटनेस। ओके, तो बैलेंस डाइट के अलावा सर और क्या ऐसी चीज़ है जो एक उसके लिए मतलब एक किक स्टार्ट हो सकता है, जैसे अगर कोई बैलेंस डाइट लेता है, और उसके अलावा अगर कोई ऐसे हल्का फुल्का एक्सरसाइज है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे वो स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, वर्कआउट तो बहुत सारे होते हैं, वर्कआउट की बात करूँगा तो पूरा चैप्टर इतना है कि मैं एक वर्कआउट की बात नहीं, इतना है कि उसे किसी भी
अच्छे कोच के पास जाके अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिससे वो हर किसी का गोल अलग होता है। अगर वो पतला है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग, अगर मोटा है तो उसके लिए अलग तरह का डाइट और ट्रेनिंग होगा। सबसे पहले वो एक अच्छे किसी फिटनेस क्लब में जाके या जिम में जाके अच्छे ट्रेनर के अंदर शुरुआत करे और अपने लेवल से शुरुआत करे, और फिर वहाँ से उसको जो स्टार्ट मिलेगा उसको अब वो आगे बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। ओके 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 सर, यहाँ पे जैसे आपने भी बताया कि एक अच्छे ट्रेनर के साथ वो अपनी जर्नी स्टार्ट करे अच्छी जिम या अच्छे क्लब के अंदर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, गाइडेंस का कितना रोल है इस पूरी फिटनेस की जर्नी में? अगर कोई अच्छे गाइडेंस में वर्कआउट करता है किसी मेंटर के अंदर, तो उसकी ग्रोथ जल्दी होती है या कोई अपने हिसाब से करता है उसकी ग्रोथ में अंतर क्या है सर? इसका आंसर मैं थोड़ी डिटेल में देना चाहूँगा आपको। फिटनेस तीन चीजों पर टिकी हुई है, चौथा स्तंभ मैं बाद में बताऊँगा आपको, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। अगर आपके पास अच्छा डाइट है तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, और अच्छा रेस्ट है तो अच्छी डाइट से आप अच्छा रिकवर कर पाओगे। लेकिन इन तीनों का सबसे बड़ा रोल है जिसको जो आपको फिट रखते हैं। लेकिन ये चीजें गाइड आपको एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा डाइटिशियन, अच्छा मेंटोर ही कर सकता है। अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर नहीं है, आपका मेंटोर नहीं है, तो आपको नहीं बता पाएगा कि आपको क्या खाना है, आपका टारगेट क्या, आपको क्या कंज्यूम करना है, डाइट में कितनी कैलोरीज लेनी है, जो भी आपका टारगेट है। तो ट्रेनर का बहुत रोल है, वही आपको सब चीज बताता है कि आपको कितना वर्कआउट करना है, कैसा वर्कआउट करना है और कैसी डाइट लेनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेंटर को बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए कि किस तरीके से, हाँ, कि कितना मुझे रेस्ट लेना है, मैं कितना वर्कआउट करता हूँ तो मुझे कितना डाइट लेना है। और आपको मेंटर भी गाइड करता है, आपको अच्छा मेंटर नहीं है तो अच्छी फिटनेस नहीं ले सकते, है ना। या मैं आपको शॉर्ट में ये कहूँ कि जो काम जिसको मुझे 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, विदाउट अच्छे मेंटर हम 20 या 20% से भी कम रिजल्ट ले पाते हैं। और मोस्टली मुझे ना हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फिटनेस के लिए, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो अच्छे डाइट और खान पान कोशिश कर रहे हैं लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण क्या हो रहा है, वो प्रॉपर अपनी बॉडी को या अपने शरीर का या अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर जैसा आपने बताया कि आप एक गाइडेंस दे रहे हैं बिल्कुल काफी सारे यूथ को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पूरे डिविजन के अंदर, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिटनेस के अंदर कई सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, चैंपियनशिप के कई सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो आपके अंडर गाइडेंस में ऐसे कितने कॉम्पिटिशन हो चुके हैं, कितने लोग उस लेवल तक पहुंच चुके हैं स्टेट या नेशनल लेवल तक जो आपसे गाइडेंस प्राप्त करके जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो किया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2014 से मैंने अपना दोबारा से फिटनेस जर्नी शुरू किया। पहले एज अ मैं कॉम्पिटिटर और पार्टिसिपेट करता था, उसके बाद एज जब मैं खुद लोगों को फिट करने का सोचा और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने बहुत सारी कोशिश की इन चीज़ों में, 2014 शुरू किया। 2015 में मुझे बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मिली IBBF से। बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बाद मिलने के बाद मैंने सोचा कि जब मैं खिलाड़ी था तो मुझे जो सुविधाएँ नहीं मिल पाई थी एज अ प्लेयर, वो सब चीज़ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूंगा। और फिर हमने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन 2016 में ही पहला कॉम्पिटिशन कराया जो पूरे MP का सबसे बड़ा स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था। ओके जिसमें हमने 1,80,000 सुपर कैश प्राइज बांटा, उसके साथ साथ खिलाड़ियों को बहुत सारे उपहार, 2 दिन का रहना खाना पीना हमने सब दिया। तो इस तरीके से 2014 से लेकर अब तक मैं 2 स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन और 4 डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन करा चुका हूँ जो हम हर साल कराते हैं। बीच में कोरोना वाले ईयर में हमने 2 साल नहीं करा पाया था क्योंकि परमिशन ही नहीं थी और नहीं था वो कंडीशन, ऐसी नहीं थी हम करा पाए। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन जुड़ के लोग घर पे कैसे फिट रहे हैं, घर पे कैसे वर्कआउट करें, ये सारी नॉलेज हमने लोगों को ऑनलाइन फ्री अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाई थी, लोगों से कनेक्टेड रह के। सर जैसा आप बता रहे कि लोगों से कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट बना रहा चाहे चैलेंजेस कितने भी आए हैं, तो ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सर हमारे साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में आपने एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज महसूस किया हो कि पहले उनका फैट या उनकी बॉडी का शेप बहुत लीन था या फैटी था और अब वो आपके अंडर गाइडेंस में आपके अंडर जैसा कि आप उनको कोच कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं? जो मैं ऐसे एग्जांपल बाद में दूंगा जो एथलीट हुए और जिन्होंने गेम खेला और आगे बढ़े जी। पहले मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा जो जनरल लोग हैं और जिनको देख कर लगता है कि हम कर पाएंगे। अभी हमारे यहाँ तो मैडम आती हैं एकदम, पूजा भदौरिया जी, उनको बचपन से ही एसिडिटी की दिक्कत थी, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, दिक्कत थी और सॉल्व नहीं हो रही थी, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद काफ़ी टाइम से वॉक और योगिंग के लिए भी जा रही थी। तो उन्होंने कहीं हमारा पोस्टर देखा तो उन्होंने जिम ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे सारी समस्या अपनी बताई। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, आपको समस्या है ये लाइफ स्टाइल देखी है जो मतलब गलत खान पान के तरीकों से होता है। मैंने उनको कुछ तरीके बताए कि खान पान में हमें क्या चीज़ खानी है, कैसे खाना है, पानी कब पीना है, पानी कब नहीं पीना है,
एल्कलाइन फूड कब खाने हैं जिससे हम अपने शरीर को कंट्रोल कर पाए, और वो तीन मिनट भी नहीं चल पाती थी, आज वो मेरे यहाँ 20-25 मिनट दौड़ती भी है और मतलब वो 45 प्लस एज का दौड़ती भी है, भागती भी है और सारे वर्कआउट भी करती हैं, और इतना है कि कई बॉयज उनको देखते ही कहेंगे कि इस एज में इतना सा वर्कआउट कर सकती है, और सबसे बात जो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी बचपन से वो बिल्कुल खत्म हो गई। सर जब ये लोगों की प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करते हो, लोगों की लाइफ में चेंजेस जब आप लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता होगा बहुत बहुत, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ऐसे करने में, हमें लगता है कि जो चीज़ डॉक्टर दवाई से नहीं सही कर पाए उस चीज़ को हमने लोगों को फिटनेस से, स्वास्थ्य से, अच्छे खान पान से, लाइफ स्टाइल से सही किया। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, प्रीति सिकरे जी एक हाउस वाइफ हमारे यहाँ आती थी, उनकी एज लगभग 45 के आसपास ही रही होगी मेरे ख्याल से, जिनका हिप का और घुटने का दोनों का ट्रांसप्लांट होना था, डॉक्टर ने कहा था कि मैं इंजरी और बहुत दिक्कत हो जाएगी, चलने में भी दिक्कत थी और जीने में नहीं चल पाती थी, जब मेरे पास आया तभी 7 किलो वजन था उनका ना, और रिसेंटली उन्होंने अभी 70 किलो अचीव कर लिया और उनको चलने फिरने उठने बैठने की प्रॉब्लम थी वो लगभग 80% तक सॉल्व हो गई है, बिना किसी सर्जरी बिना किसी उसके चल पाती हैं, दौड़ भाग कर पाती हैं, जो उनको दिक्कत थी उनको 80% तक सॉल्व हो गया उनका, और वजन 107 से 70 आ चुका है रेगुलर वर्कआउट से। सर रेगुलर वर्कआउट से, अच्छी डाइट से, ओके, प्रॉपर स्ट्रेचिंग से, जो वर्कआउट के हिस्से हैं छोटे छोटे जी क्या क्या हमें कराना पड़ता है, कैसे हमें रिहैब कराना है, कैसे बॉडी को मूवमेंट देना, बहुत सारे मतलब पार्ट एक वो सारा हमने कराया है उनको। हाँ हालांकि मैं मानता हूँ कि इस जर्नी में हमें 1-1.5 साल लगा, लेकिन हमने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और सर्जरी उनकी नेचुरल तरीके से रिलैक्स मिला। सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि जब मैं यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ या उन लोगों के बीच में जाता हूँ, तो ज़्यादातर मुझे ये देखने को मिलता है कि गलत चीज़ों की तरफ, जैसे कि हम बात करें ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी तरफ यूथ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो फिटनेस और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और सबसे बड़ा समाज में एक तरीके से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही है ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, सबसे पहले तो इनसे क्यों दूर रहना चाहिए, किस तरीके से दूर रह सकते हैं, और इनके नुकसान क्या है सर? मैं आपको सारा बताता हूँ, इसका भी एक प्रोसेस है। ये क्या होता है, फिटनेस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जिसे जितना पढ़ो उतना कम है। हम इसमें ह्यूमन बॉडी के अलावा ह्यूमन हार्मोन, अपना मस्कुलर सिस्टम से लेकर न्यूट्रिशन में हमें क्या खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने की, साइंस है, साइंस है पूरा जो हमें पढ़ना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ जो ट्रेनर या जिम ओनर हैं उन लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज है ही नहीं, जब उन लोगों को इन लोगों की नॉलेज नहीं है और जब उन लोगों के पास लोग जाते हैं और उम्मीद करके सर हमारी बॉडी को आप ट्रांसफॉर्म करो और हमें अच्छा स्वास्थ्य दो, तो जब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है कि जो टॉक्सिक जिन एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, वो लोग उनको उन ड्रग्स की तरफ मूव करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में जल्दी रिजल्ट आए और उनका मेंबर सेटिस्फाई हो जाए। बाद में क्या साइड इफेक्ट होते हैं, बाद में क्या दिक्कत होती है, उनसे उनको मतलब नहीं होता, क्योंकि उन ट्रेनरों को पता ही नहीं है कि नेचुरल अच्छे डाइट से, अच्छे डाइट प्लान से और एक अच्छा प्लान करके, इसी मेंबर के लिए हम अच्छा प्लान करते हैं कि ये मेंबर मोटा है या अंडरवेट है या इसका जो भी दिक्कत है, तो इसको हम नेचुरल तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, मेंबर से मिलते हैं, मेंबर के साथ मिलकर हम क्या करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं कि उसकी दिनचर्या क्या है, वो किस तरह के टूल्स यूज करना चाहता है डाइट में, किस तरह के टूल्स यूज करना चाहता है वर्कआउट में, तो हम धीरे धीरे उस चेंजेस लाना शुरू करते हैं। और पहले हम सबसे पहले बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए, फिर ये सब चीज़ हम उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका था कि भाई इन चीज़ों से दूर क्यों रहना चाहिए, कि ये ड्रग है या टॉक्सिक, नाम से जब आप टॉक्सिक सब्सटेंस कह रहे हो तो ये हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों और समस्याएं पैदा कर सकते हैं, है ना, और वो भी अगर विदाउट, जब वैसे भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं और ड्रग हैं जो बॉडी में हार्मफुल करते हैं, और उसको भी आप ऐसे लोगों के अंडर में ले रहे हो जो नेचुरल ट्रेनिंग कराना नहीं जानते, उनसे आप ड्रग स्टेरॉइड और इस तरह की चीजें ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में कितना हार्म कर सकते हैं आपको भी नहीं पता, जिनके मतलब स्वस्थ रहने के लिए जा रहे हो, जो तरीके पर अपना रहे हैं, हम और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, हम और ज्यादा खराब हो सकते हैं, हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म बहुत सारी समस्या आ सकती है ना। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये हमारे हार्ट, लिवर, किडनी से लेकर हम बॉडी में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो सर जब आप बात कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस की, तो क्या इसमें ये जो आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स जो बाजार में आ रहे हैं, इनमें से भी कोई ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, प्रोटीन वगैरह जो? देखो मैं बताता हूँ, जो डायट्री सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट है जो अच्छे ब्रांड है, जो प्रोटीन मार्केट में आ रहे हैं, ये फूड सप्लीमेंट है, ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो दूध से ही बना होता है ना, तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कि जब वे प्रोटीन फिर हम ये कंपनियाँ बनाती हैं, तो जब दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है, तो हमारे दूध में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, केसिन
एक भी प्रोटीन, दोनों ही संपूर्ण प्रोटीन है, दोनों ही बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है। उसे डिफरेंस इतना है कि केसिल प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव होता है, वही प्रोटीन बहुत फास्ट डाइजेस्टिव होता है। और दूध में लगभग लगभग 90% से ऊपर केसिन ही होता है और वे प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन जब दूध को फाड़ते हैं तो उनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे केसिन प्रोटीन जो उसका गाढ़ा छेना होता है उसमें, वे प्रोटीन उससे पानी लगता है उसमें चला जाता है। तो उस पानी को कोल्ड प्रोसेस द्वारा कंसेंट्रेट किया जाता है और भाप बनाया जाता है, उससे जो पाउडर होता है वो वे प्रोटीन होते हैं। लेकिन हाँ, इन वे प्रोटीनों के नाम पर बहुत सारे डुप्लीकेट और टॉक्सिक प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में बेचे जाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। ना कि जो एक एथलीट होता है, एक एथलीट की फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एक आम आदमी की फूड रिक्वायरमेंट और एक एथलीट की फूड रिक्वायरमेंट में अंतर होता है। घर के खाने से नेचुरल फूड से कई बार हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते और अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ देते हैं। तो वहाँ हमें प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन, मल्टी विटामिन कई बार हम यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो एथलीट की नीड बहुत ज्यादा होती है, उसे बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। और सॉलिड मील से कई बार वो नहीं खा पाते, जो एथलीट होते हैं उनको जरा वजन नहीं बढ़ाना होता है, वो अपने वेट कैटेगरी में बंधे हुए होते हैं, तो वो ज्यादा फूड अगर वो कंज्यूम करेंगे घर से तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अपनी कैटेगरी में जाके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वो कई बार जो एथलीट होते हैं वो बंधे हुए होते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, तो उन्हें लिमिटेड कैलोरी में हाई न्यूट्रिशन फूड खाने होते हैं, तो कई बार उन्हें वो ये सब चीज़ यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन केवल अच्छे ब्रांड, जेन्युइन ब्रांड, अच्छी जगह से परचेज किए हों, तो क्योंकि अपने इंडिया में अच्छी चीज़ें बाद में आती है, डुप्लीकेट चीज़ें पहले आ जाती हैं। तो अगर आप किसी प्रोटीन को खरीदने जा रहे हो और आपको उसके कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही है और आपको पता है कि टॉक्सिक, लेकिन केवल आप इतनी ले रहे हो कि आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि असली चीज़ों के नाम पर नकली चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। बस आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए कि जो चीज़ आप ले रहे हो सही जगह से ले रहे हो और ओरिजिनल ले रहे हो, इसके लिए भी एक गाइडेंस जरूरी है। हाँ, उसके लिए भी गाइडेंस जरूरी है। बिल्कुल सर, एट लास्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूथ के लिए एक मैसेज दें, हमारे दर्शकों के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी और हेल्दी चीज़ों का यूज करें, है ना। जब भी आपको स्वस्थ रहना हो तो अच्छे कोचेस के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं, अगर आप बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं, है ना, किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं। आपको फिटनेस के लिए ट्रेंड होना है तो अच्छे ट्रेंड और प्रूफ किए हुए ट्रेनर और डाइटिशियन के पास जाएं, जो आपको अच्छी डाइट, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा गाइडेंस दे सकें। अगर आप रनिंग करने जाते हो तो किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर में रनिंग करें, आप स्विमिंग करने जाते हो तो किसी अच्छे स्विमर इंस्ट्रक्टर के अंदर में जाएं, और आप किसी जिम में जाते हो या आप किसी और योगा सीखते हो तो अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या अच्छे जिम ट्रेनर के अंदर में ही ट्रेनिंग करें, जिससे आप फिट और स्वस्थ रह सकें। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेचुरल फूड कंज्यूम करें। जब आपको लगता है और आपका डाइटिशियन या आपका ट्रेनर देखता है कि आप नहीं अपने रिक्वायरमेंट नेचुरल डाइट से या घरेलू से पूरी कर पा रहे, तभी आप सप्लीमेंट यूज करें, अंदर पहले ही अपने अपने मन से प्रेफर ना करें मुझे कोई प्रोटीन खाना है, मुझे गेनर खाना है। अगर आप एथलीट हैं तो पहले डिस्कस कर रहे हैं कि गोल क्या है, आप एथलीट नहीं है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल फूड कंज्यूम कर सकें। और इसके लिए हम ये भी कहते हैं, हम लोगों ने अपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप या बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी बनाई हुई थी जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नेचुरल डाइट, ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट से रिलेटेड, नेचुरल डाइट और नेचुरल गाइडेंस के बारे में हम लोगों को बताते भी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी इस जर्नी को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई सर। निश्चित ही हमारे जो पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं व्यूअर्स को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फिटनेस से रिलेटेड। आगे भी हम सर के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको इसी तरीके के फिटनेस कंटेंट से अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड को देखेंगे। थैंक यू।